What's up my YouTube family, welcome back to the channel. So दोस्तों winters खत्म हो चुका है and जब बात आती है blankets को store करने की तो हमें काफ़ी ज़्यादा problem होती है. तो आज हम आपके लिए उस problem के एक बहुत ही बेहतरीन solution लेकर आ गए हैं. आज की इस वीडियो में हम अनपैक करने वाले हैं एक ब्लैंकेट बैग जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मुझे मिला है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा है ये बैग, कैसी है इसकी क्वालिटी एंड क्या आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं. एंड अगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर सकते हैं. हम वहाँ पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमें कुछ इस तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग में मिला है फ्लिपकार्ट की तरफ से. तो चलिए कट करते हैं इस पैक को एंड देखते हैं कि कैसा है ये ब्लैंकेट बैग. तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर के साइड में हमें कुछ इस तरह का बैग मिला है. काफ़ी अच्छा खासा इसका साइज़ है एंड ये मैंने मरून कलर परचेस किया है. इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं. साथ में आप देख सकते हैं देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है. एंड अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी टॉप नॉच है. इसमें पैरासूट फैब्रिक यूज़ किया गया है जो अपने में एक बहुत ही बेहतरीन फैब्रिक है एंड जल्दी ये फटने वाला नहीं है. साथ में ये बैग वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है तो आपका ब्लैंकेट बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. साथ में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्क्वायरी शेप स्टिचिंग पैटर्न दिया गया है जो देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है. यही स्टिचिंग पैटर्न आपको पीछे की साइड में भी देखने को मिल जाएगा. साथ में आप इसका विड्थ देख सकते हैं, अच्छा खासा विड्थ है इसका. और यहाँ पर आपको एक छोटा सा जीपर देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना छोटा मोटा कोई भी यूटिलिटी का सामान रख सकते हैं. और एक बड़ा कंपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप इजिली कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं. जैसा अगर आपने पहले ब्लैंकेट परचेस किया होगा तो उसके साथ भी एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बैग आता है, उसी साइज का ये बैग है. आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको क्वालिटी अंदर के साइड में देखने को मिल जाता है. अंदर के साइड में यहां पर क्लोथ मटेरियल यूज किया गया है तो आप देख सकते हैं बाहर के साइड में ये पैरासूट फैब्रिक है एंड अंदर के साइड में ये क्लोथ दिया गया है तो आपको डबल लेयरिंग यहां पर देखने को मिल जाएगी. एंड अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो इसे मैंने परचेस किया है 420 रुपीज का, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है. तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट वाली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फर्स्ट लिंक क्लिक करके इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं. तो चलिए इसमें डालते हैं ब्लैंकेट एंड आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है ये ब्लैंकेट डालने के बाद. सो दोस्तों इसमें अभी मैंने डबल बेड साइज वाला ब्लैंकेट डाल दिया है एंड इसमें अभी भी बहुत सारा स्पेस खाली है. तो स्पेस के मामले में तो अच्छा खासा बड़ा है, आपको बहुत ही अच्छा स्पेस इसमें देखने को मिल जाता है एंड आप इसमें ब्लैंकेट ही नहीं अपने बहुत सारे क्लोथ भी एक बार में स्टोर करके रख सकते हैं. लाइक अपने विंटर क्लोथ्स आपने विंटर में पहन लिया, उसके बाद आपको स्टोर करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक बैग परचेस कर लीजिए, इसमें सारा आपका विंटर क्लोथ्स आ जाएगा. तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही अच्छा लगा, 420 रुपए में आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है एंड मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है. अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फर्स्ट लिंक क्लिक करके इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ. तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू एचडी चैनल. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. एंड दोस्तों हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे. थैंक यू.